हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन डिडक्शन फार्मूला। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6 बेस्ड ऑन डिडक्शन फार्मूला। शो दैट लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एम बाई एम प्लस एन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एम माइनस 1 ऑफ एक्स कॉस एन माइनस 1 ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। एंड उसके बाद में आपको क्या प्रूव करना है, हैंस डिड्यूस दैट 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 टू द पावर एन प्लस 1। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, राइट। तो लेट्स स्टार्ट द प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। सो पहले LHS, तो LHS मेरे पास में क्या है, दिस इज लिमिट 0 टू पाई बाई 2 कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, राइट। तो इसको मान लेते हैं हम लोग फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सेकंड। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए जैसे पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं। सो दिस इज नथिंग बट कॉस टू द पावर एम एक्स, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा साइन एन एक्स, दिस इज साइन एन एक्स ओवर एन लिमिट 0 टू पाई बाई 2, राइट, माइनस लिमिट 0 टू पाई बाई 2 डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो इसका डिफरेंशिएशन, सो दिस विल बी एम कॉस एम माइनस 1 ऑफ एक्स, और कॉस का अगेन करोगे डिफरेंशिएशन तो होगा माइनस साइन एक्स, तो लिख लिया मैंने माइनस ऑफ साइन एक्स, राइट। एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो सेकंड का इंटीग्रेशन इज साइन एन एक्स बाई एन डी एक्स, राइट। तो ये आपने कर लिया पार्शियल इंटीग्रेट। अब आप लिमिट अप्लाई कर लीजिए इसमें। तो जब मैं लिमिट अप्लाई करूँगा तो पाई बाई 2 जब मैं यहाँ रखूँगा तो कॉस 90 होता है 0, तो अपर लिमिट पे हो गया 0। जब मैं लोअर लिमिट की बात करूँगा तो साइन 0 0 होता है, तो अल्टीमेटली अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर इस टर्म की जो वैल्यू है वो आ रही है 0, तो मैंने रख दिया 0, राइट। आई रिपीट, पाई बाई 2 जब आप रखेंगे कॉस 90 हो जाएगा 0, और जब लोअर लिमिट रखेंगे तो साइन 0 की वजह से 0, अल्टीमेटली अपर लिमिट और लोअर लिमिट पर इस टर्म की जो वैल्यू वो 0 आ रही है, तो 0 हो गया। माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एम बाई एन, ये आपने ले लिया बाहर कॉमन, राइट। सो दिस इज 0 टू पाई बाई 2, राइट, दिस इज कॉस टू द पावर एम माइनस 1 ऑफ एक्स, और क्या यहां पर बचेगा, दैट इज साइन ऑफ एन एक्स साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। और मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे पहुंचना है यहां तक कि एन माइनस वन आपके पास होना चाहिए। तो रिडक्शन फॉर्मूला जैसा हम लोग जनरेट करते हैं बिल्कुल ये वैसे ही काम करना है। अगर ये नहीं भी दिया होता तब भी हम लोग यहां तक पहुंच जाते। कैसे पहुंचते, क्योंकि देखिए कॉस पावर एम से स्टार्ट हुआ और कॉस एन एक्स, तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर आएगा वो कॉस एन के ही टर्म में आएगा, और जितना रिडक्शन इसकी पावर में हो रहा है, जैसे एम माइनस वन ने यहाँ देखा, तो नेचुरल सी बात है यहाँ भी जब कॉस आता तो वो एन माइनस वन की फॉर्म में ही लिखा जा सा। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर साइन एन एक्स था तो साइन एन माइनस वन आया था, अब यहाँ पर कॉस है और यहाँ पर कॉस एम माइनस वन आया, तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर एन माइनस वन आएगा। तो इसको चेक कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ इसको से दिस इज फर्स्ट, राइट। और इसकी वैल्यू को हम लोग ब्रेक करेंगे कॉस एन माइनस वन की फॉर्म में, तो कैसे ब्रेक करेंगे, सो देयरफॉर कॉस ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स, तो बेसिकली ये कितना है, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ एन एक्स माइनस एक्स, ये है। और जब मैं इसको कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाऊंगा तो कॉस ए कॉस बी, दैट इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सो दैट इज साइन ऑफ एन एक्स साइन बी साइन एक्स, राइट। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, साइन एन एक्स साइन एक्स की, तो साइन एन एक्स साइन एक्स यहां पर है, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए, इसको आप ले जाइए लेफ्ट साइड में, सो दिस इज नथिंग बट साइन एन एक्स साइन एक्स साइन एन एक्स साइन एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये मैंने यहीं छोड़ दिया, इसको लेके गए आप लेफ्ट साइड में, तो दिस इज कॉस ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स माइनस कॉस एन एक्स
कॉस एक्स से दिस इज टू, राइट। अब आप इस टू को आप फर्स्ट में आप यूज कर लीजिए, सो यूजिंग टू इन फर्स्ट वी गेट, तो जब आप इसको यूज करेंगे तो LHS आपका ये था, सो दिस इंप्लाइज कॉस 0 टू द पावर, ऐसे लिख लीजिए 0, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, आप चाहें तो LHS भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, LHS क्योंकि यही है, कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल्स टू, ये है आपका m by n, राइट, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस m माइनस 1 ऑफ x इंटू, तो इसकी वैल्यू आपने क्या निकाली, ये निकाली है, सो दिस इज कॉस ऑफ n माइनस 1 ऑफ x माइनस कॉस एन एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अगला स्टेप क्या होगा, यहाँ से अगले स्टेप में आप इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स और ये, तो इसकी एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, सो दिस विल गिव यू कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको सेपरेट करके हम लोग अगले स्टेप में लिख लेंगे, राइट। सो स्टूडेंट्स, मैंने ब्रेक करके लिख दिया है, ये पार्ट आ गया इधर और ये आ गया इधर, अब क्या करेंगे, यही चीज आपकी सेम लेफ्ट साइड में है, तो आप इसको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये जो पोर्शन है ये आपका आ जाएगा कॉमन, तो कॉमन जब हम लेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से बचेगा 1, राइट, ये m बाई एन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा m बाई एन, राइट, इंटू, तो ये आपने कॉमन लिया, तो कॉमन पार्ट क्या था, 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, क्या आपके वैल्यू है यहाँ पर, एम बाई एन, दिस इज 0 टू पाई बाय 2 कॉस टू द पावर एम माइनस 1 ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस 1 ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, अब मैं ये कहता हूँ कि पूरे को इसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा n प्लस m, क्योंकि ये n कट गया, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, तो ये भी n कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज m, लिमिट 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस टू द पावर m माइनस 1 ऑफ x कॉस ऑफ n माइनस 1 ऑफ x डी एक्स, राइट। मैंने पूरी इक्वेशन को किससे, n से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो ये n कैंसिल हो गया, यहाँ n इंटू 1 दैट इज n आ गया, अब ये आपका m प्लस n है, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, दिस इज इम्प्लाइड 0 टू पाई बाय 2 कॉस टू द पावर एम एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू m बाई एम प्लस एन लिमिट 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस टू द पावर m माइनस 1 ऑफ x कॉस ऑफ n माइनस 1 ऑफ x डी एक्स एंड विच इज इक्वल्स टू योर आर एच एस, दिस इज योर आर एच एस, हैंस प्रूव्ड, तो ये आपका प्रूव हो गया। अब क्या करना है यहां पर, अब यहीं से आपको एक पार्ट और को बोला था डिडक्शन के लिए, तो उसमें और इससे यहां से कैसे फायदा उठाएंगे, तो वहां पर दिया हुआ कॉस टू द पावर एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका m है उसको आपको क्या रखना है, n रखना है, राइट। तो अगर मैं इसको बोल देता हूं से दिस इज थर्ड, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया थर्ड, एक पार्ट आपका प्रूव हो गया, अब इसी के बेसिस पर आपका दूसरा पार्ट हम लोग प्रूव करेंगे, सो वी पुट m इक्वल्स टू n, पुट m इक्वल टू n इन थर्ड वी गेट, रखिए इसमें m की जगह n, तो जब m की जगह n रखूंगा मैं तो क्या मिलेगा मुझे, 0 टू पाई बाय 2, दिस इज कॉस टू द पावर एन एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स,
पावर में भी एन आ गया और एंगल में भी एन आ गया, इक्वल्स टू दिस इज क्या जाएगा, एम की जगह एन रखना है तो रख दीजिए, सो दिस इज एन ओवर एन प्लस एन लिमिट जीरो टू पाई बाय टू, दिस इज कॉस टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। अब यहां से जब आप कॉमन लेंगे तो ये एन एन कैंसिल हो जाएगा और इसको क्या लिख पाएंगे हम लोग, दिस इज नथिंग बट एन बाई टू एन, राइट, लिमिट जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स, एम आई राइट। तो अब यहां से एन आपका कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या आ गया यहां से, दिस इज वन बाय टू जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स, यहां तक तो आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, पाई बाय टू टू द पावर एन प्लस वन प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा यहां पर, अब मुझे इसकी वैल्यू चाहिए बेसिकली, ठीक है, ये वन बाई टू तो कॉन्स्टेंट है आपका बाहर, ये मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, तो मैं क्या करने वाला हूं, एन की जगह एन माइनस वन इसी में रखूंगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। आई रिपीट, क्या करेंगे हम लोग, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इसी में मतलब इसी के इक्वेशन में आप एन की जगह एन माइनस वन रखेंगे तो इसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी और उसको हम लोग यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो मैं इसको बोल देता हूं फोर, राइट। तो हम लोग फोर में ही रखेंगे एन की जगह एन माइनस वन, तो यहां क्या रखूंगा मैं, पुटिंग एन एज एन माइनस वन इन किस में रखेंगे, फोर में, वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा उस समय, तो यहां एन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा, यहां एन की जगह एन माइनस वन हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, वन बाय टू जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन माइनस टू ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस टू ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। तो इतना हम लोग कर लेते हैं अगले स्टेप में। सो स्टूडेंट्स, मैंने यहां रखा एन की जगह एन माइनस वन, तो देखो मेरे को ये वैल्यू मिल गई है, तो क्या मिलेगा, कॉस टू द पावर एन माइनस वन ऑफ एक्स इंटू कॉस एन माइनस वन ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू वन बाई टू जीरो टू पाई बाई टू कॉस एन माइनस टू ऑफ एक्स कॉस एन माइनस टू ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। और मैंने इसको बोल दिया फाइव। अब हम क्या करेंगे, पुट यूजिंग फाइव इन फोर, यूजिंग फाइव इन फोर, आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेंगे पीछे इक्वेशन नंबर फोर क्या थी, यूजिंग फाइव इन फोर वी गेट, तो हमें क्या मिल जाएगा, दैट इज लिमिट जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन एक्स कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स, और उसमें वन बाय टू तो पहले से ही था, राइट, और इसकी वाली वैल्यू जब आई है तो वो भी वन बाय टू इंटू दिस आई है, तो क्या हो गया, वन बाय टू इंटू जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन माइनस टू ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस टू ऑफ एक्स डी एक्स, राइट, ये वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, इसको मैंने बोल दिया सिक्स, ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जैसे हमने पहले निकाली थी बिल्कुल सेम ऐसे ही, तो क्या करेंगे, पुट एन एज एन माइनस टू इन फोर वी गेट, तो क्या मिल जाएगा हमें, दिस इज लिमिट जीरो टू पाई बाय टू, राइट, तो कॉस ऑफ एन माइनस टू ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस टू ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन बाई टू लिमिट जीरो टू पाई बाय टू, दिस विल बी कॉस ऑफ एन माइनस थ्री ऑफ एक्स कॉस ऑफ एन माइनस थ्री ऑफ एक्स डी एक्स, ये मिल जाएगा। इसको मैंने बोल दिया सेवन, ठीक है। अब मेरे पास में किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आई ये, तो इसको रख देंगे यहां, यूजिंग सेवन इन सिक्स, यूजिंग सेवन इन सिक्स वी गेट, तो जब हमने रखा इस वैल्यू को यहां पर, वी विल गेट जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू वन बाय टू इंटू वन बाय टू, और एक वन बाय टू फिर आया, राइट, लिमिट आ गई जीरो टू पाई बाय टू कॉस टू द पावर एन माइनस थ्री ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन माइनस थ्री ऑफ
एक्स डी एक्स, राइट। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग सर इस टाइप से कब तक करते जाएंगे, तो अब थोड़ी सी मैं ये चीज़ इसलिए कर रहा था कि आपको थोड़ी चीज़ें दिखाई देने लगे। जब हमने एक बार किया था तो एक आया था, दो बार किया तो दो आया, तीन बार किया तो तीसरा आ गया। ऐसे ही इसको अगर एन टाइप करेंगे तो ये 1/2 to the power कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो मैं कहूँगा यहाँ पर कंटिन्यू दिस प्रोसेस अप टू एन स्टेप्स वी गेट। तो जब आप एन स्टेप्स तक जाएंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, 0 to π/2 cos to the power nx cos of nx dx। तो नेचुरल सी बात है जब तीन आया तो तीन तक आएगा, और जब ये n तक करेंगे तो n आएगा। तो मैं डायरेक्टली क्या इसको 1/2 to the power n लिख लूँ, क्योंकि अगर इसको लिखा जाएगा तो कितना बनेगा, 1/2 cube, और cos to the power n-3 है तो तीन स्टेप तक गया है, n तक जाएगा तो n हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख ले रहा हूँ, 1/2 to the power n लिख ले रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है, ठीक है। सो 1/2 to the power n, और ये हो जाएगा कितना, 0 to the limit π/2। यहाँ लिखेंगे cos to the power n-n of x, ये हो जाएगा cos of n-n of x dx, राइट। तो इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज नथिंग बट 1/2 to the power n इंटू लिमिट 0 to π/2। दिस इज cos to the power 0 हो गया, ये cos to the power 0x cos of 0x dx। तो cos to the power 0x ये भी 1 हो गया, cos 0x वो 1 होता ही है cos 0। तो अल्टीमेटली अपने पास में क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट 1/2 to the power n लिमिट 0 to π/2। तो ये भी 1, ये भी 1, तो अल्टीमेटली हो गया dx, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट 1/2 to the power n, और dx का हो जाएगा इंटीग्रेशन आपका x, लिमिट आ जाएगी 0 से π/2। सो दिस इज, जब आप लिमिट रख लेंगे 1/2 to the power n, दिस इज π/2 -0, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल गिव यू π/2 to the power n+1, हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।